यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स टीम ने नूरपुर नशा निवारण केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर अध्यक्ष रवि मेहरा नशा निवारण केंद्र के कर्मचारियों से मिले और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। नशा निवारण केंद्र में स्टाफ की कमी है और जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी नाम मात्र ही दी जा रही है। कुछ दिन पहले भी यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स की टीम ने नशा निवारण केंद्र का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। फार्मासिस्ट कर्ण सिंह ने बताया कि उन्हें लगभग 4 साल हो गए हैं काम करते हुए और सैलरी मात्र 5,000 रुपये मिल रही है, जिससे परिवार का गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल बन रहा है। मेरा नाम कर्ण सिंह है और मैं नशा निवारण केंद्र नूरपुर में आज 4 साल हो गए वहाँ पे काम करते हुए। जो मेरी सैलरी है वहाँ पर इस वक्त 5,000 रुपये है, काट के मेरे को मिलता है यहाँ पर 4,400 रुपये। तो सर, इस आमदनी में, इस तनख्वाह में मेरा कुछ भी बजट नहीं बन रहा है। तो जो मेरा किराया है वो 2,500 रुपये लग रहा है। तो अब पिछले हफ्ते ओपी शर्मा जी, जो हमारे सेक्रेटरी है, वो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपको स्टाफ दिया जाएगा, तो नशा निवारण केंद्र द्वारा से भी पूर्ण स्थापित किया जाएगा, उसको चलाया भी जाएगा। तो आगे स्टाफ जो पैसे जाए, जब वो स्टाफ भेजेगा तब हम आगे इसको प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो सर, स्टाफ की कमी के कारण हम इस सेंटर को अब चला नहीं पा रहे, तो हम चाहते हैं प्रशासन से यही उम्मीद है कि हम इसे जल्द से जल्द स्टाफ दिया जाए, ताकि हम दोबारा से नशा निवारण केंद्र नूरपुर को चला सकें। काउंसलर सुनीता कुमारी ने बताया कि उनकी सैलरी मात्र 6,500 रुपये है और बस का किराया 3,500 रुपये बन जाता है, जिसके चलते परिवार का खर्च निकालना भी मुश्किल बन रहा है। और मैं यहाँ डी एडिक्शन सेंटर में पिछले 3 सालों से एज ए काउंसलर काम करती हूँ और मैं यहाँ इंदौरा से डेली अप डाउन करती हूँ और मेरा डेली का किराया 120 रुपये डेली लग रहा है और महीने के हिसाब से 3,500 से 3,600 रुपया मेरा किराया लगता है डेली और मुझे 6,500 रुपया सैलरी मिल रही है। और पिछले 3 सालों से ये सैलरी 1 रुपया भी नहीं बढ़ी और 6,500 रुपये ही काम कर रहे हैं और EPF वगैरह काट के 1,720 रुपये मुझे पर मंथ यहाँ पर मिलते हैं। और पिछले अक्टूबर 2019 से ये सेंटर स्टाफ की कमी होने की वजह से ये सेंटर बंद, मतलब पेशेंट यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रही है। हम लोग डेली आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे पेशेंट के एडमिशन हो, पर स्टाफ की कमी के कारण नहीं हो रही है। और हमने ओपी शर्मा जी से बोला था, सेक्रेटरी सर जो हमारे हैं, कि हमें स्टाफ दिया जाए और उन्होंने बोला भी था पिछले हफ्ते कि आपको स्टाफ दे दिया जाएगा और इस मंडे से, जो आज मंडे है, कि आपका सेंटर कंटिन्यू कर दिया जाएगा, पर अभी तक स्टाफ नहीं आया है। और हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें जल्दी से जल्दी स्टाफ दिया जाए, ताकि हम इस सेंटर को जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें और प्लीज़ हमारी सैलरी को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि इतनी कम सैलरी में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स के अध्यक्ष रवि मेहरा ने बताया कि काफ़ी समय पहले भी वे अपनी टीम के साथ यहां पे आए थे और नशा निवारण केंद्र में पेश आ रही समस्याओं के बारे में प्रशासन को अवगत करवाया गया था, लेकिन अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी इस बाबत कुछ नहीं हुआ है, जिससे यहां पे तैनात कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाए और स्टाफ की कमी को भी दूर किया जाए। हमने काफ़ी दिन पहले भी जहाँ पे नशा निवारण केंद्र में हमें निरीक्षण किया था, तब उस टाइम भी कमियाँ पाई गई, आज भी ये कमियाँ पाई गई कि जहाँ पे बिल्कुल स्टाफ नहीं है। तो मैं पहले भी प्रदेश सरकार और प्रशासन से पुकार गुजार कर सकते हैं कि इन कर्मचारियों के पे बढ़ाई जाए। आज भी हमने ये निरीक्षण किया कि इनकी जो सैलरी है वो एक नरेगा की दिहाड़ी से भी ना मात्र है। तो मैं प्रशासन और सरकार से यही विनती करता हूँ कि बार बार यही विनती कर रहे हैं कि जो इनकी सैलरी है वो बढ़ाई जाए। आज हमने सुनने को यही मिल रहा है कि बस में जो नगरोटा सूर्य, एक चौकीदार है यहाँ पे, नगरोटा सूर्य से चल के जहाँ तक आते हैं, तो उनका जो किराया है वो 8,000 रुपये लग रहा है और जो उनकी सैलरी है वो 4,000 रुपये है। तो सरकार और प्रशासन इन पे गौर करे। अगर सरकार इन कर्मचारियों के ऊपर गौर नहीं करेगी, यूथ अगेंस्ट ड्रग्स की टीम इस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और धरना प्रदर्शन भी कर सकती है।